अंतरराज्यीय गिरोह के अपराधियों को गिरफ्तार करने में पुलिस को मिली सफलता। बलरामपुर में आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए नवागंतुक एसपी हेमंत कुटियाल ने पुलिस कर्मियों के पेंच कसते हुए एक रणनीति के तहत कार्य करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में आज पुलिस को एक अंतरराज्यीय आपराधिक गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। अपराधियों के पास से 2 कट्टा, 3 जिंदा कारतूस, 3 लग्जरी गाड़ियां, करीब 72,000 लूट के रुपए तथा 4 मोबाइल फोन पुलिस ने बरामद किया। एसपी हेमंत कुटियाल के अनुसार ये लोग काफी समय से गुजरात के बलसार जनपद में रहकर अपराधों को अंजाम दे रहे थे, लेकिन लॉकडाउन के समय से उत्तर प्रदेश में आकर लूटपाट जैसी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि बीते 26 नवंबर को कस्बा सादुल्ला नगर निवासी चप्पल व्यवसायी के साथ इन लोगों ने 1,00,000 रुपए का लूट किया था, जिसका पर्दाफाश करने के लिए पुलिस लगातार अपराधियों की तलाश में जुटी हुई थी, जिसमें आज सफलता मिली। एसपी ने कहा कि अभियुक्तों ने पूछताछ के दौरान बताया कि उनके द्वारा लग्जरी गाड़ियों का इस्तेमाल कर लूट एवं झांसा देकर जनपद गोंडा और बलरामपुर में कई घटना को अंजाम दिया गया है। अपराधियों ने ये भी बताया कि गुजरात में करीब 5 वर्षों से साथ रहकर आपराधिक घटना को अंजाम दिया करते थे। गैंग का सरगना मनोज कुमार मौर्य मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जनपद अयोध्या का रहने वाला है, जो गुजरात के जनपद बलसाड़ में रहकर वहां के निवासी विकास पटवा, भगवान दास आदि को लाकर यूपी में भी आपराधिक घटना को अंजाम देना शुरू कर दिया था, जिसे आज सुबह करीब 4 बजे थाना सादुल्ला नगर क्षेत्र के मनकापुर रोड पर पड़ने वाले अमघटी पुल के पास घेराबंदी करके गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को DIG महोदय ने 15,000 रुपए पुरस्कार देने की घोषणा की है। बलरामपुर उत्तर प्रदेश से बिंदेश्वरी प्रसाद मिश्र की ये रिपोर्ट। आज सभी टीम सेलुलर नगर थाने की टीम और सीओ साहब के निरीक्षण में एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, जो लूट और टप्पेबाजी की घटना करता था। ये गैंग लग्जरी गाड़ियों को यूज करते हुए अपनी अच्छी कॉन्फिडेंस दिखा के वहाँ जो भी बैंक के पास जो पैसे विड्रॉ करते थे उनको झांसा दे के उनसे अपना कैश ले लेते थे और एक नकली नोटों की गड्डी या सफ़ेद कैश की गड्डी दे के उनसे चेंज करा के उनको ठग लेते थे। और ऐसी घटनाएं इन्होंने आसपास के क्षेत्रों में गोंडा में और महुआ में ट्राई करी है। उसके अलावा ये गुजरात में पिछले 3 सालों से करीब इन्होंने 15-16 घटनाएँ बताई हैं, जो हमने गुजरात पुलिस से बात करके उन्होंने उनकी टीम भी आई है इनसे पूछताछ के लिए। और इसके बाद जो मेन हमारा वर्कआउट हुआ है सैदुल्ला नगर के 1,00,000 रुपए की लूट हुई थी, बेसिकली वहाँ पर भी वो ठगी करने आए थे, मगर वहाँ जब बात नहीं बनी तो वो छिनैती में वो तब्दील हो गया था इनके द्वारा और वो वहाँ पर सिलेरियस गाड़ी से मारे थे। इसी गाड़ी को ट्रेस करते हुए हमने ये गैंग रिकवर किया है और इसमें 3 लोग हैं, मनोज कुमार है मौर्य जो कि अयोध्या के रहने वाले हैं, खिंडासा, भगवान दास साहू जो बलसाड़ गुजरात का है, विकास पटवा ये भी गुजरात से हैं, ये लोग ओरिजिनली उत्तर प्रदेश से हैं बट 1 दशक से भी ज़्यादा से गुजरात में रह के वहाँ भी क्राइम कर रहे हैं। इनके पास से कुल 72,000 की हमें धनराशि प्राप्त हुई है, 3 लग्जरी कार जिसमें कि इनोवा TUV जैसी अच्छी गाड़ियाँ हैं। इसके अलावा इनके पास से दो कट्टे मिले हैं और जिंदा कारतूस भी मिले हैं, जो उन्होंने अपने डिफेंस के लिए जहाँ पर टप्पेबाजी की बात नहीं बनती थी वहाँ लूट तारीफ करने के उन्होंने अपने पास रखे। अब अभी भी क्या कहते हैं, ये लगातार एक और इनका ऊपर मोडस ऑपरेंडा ये था कि जहाँ भी केस पुलिस की नज़र में आ जाता था वहाँ पर वादी को फ़ोन करवा के किसी थर्ड पर्सन के थ्रू मैनेज करके उसको ख़त्म करवा देते थे, जिससे छोटी छोटी जो अगर घटनाएं हो गई हैं जिसमें पुलिस इन तक पहुँच सकती है वो घटनाओं को ये लोग वहीं पर दबा देते थे। इसलिए बहुत ज़्यादा मुकदमे इनके ऊपर लिखे नहीं गए हैं, इसीलिए ये इतना इनका सोफिस्टिकेटेड तरीका रहा है। और इस गैंग को वर्कआउट करने वाली टीम को EDG महोदय द्वारा 15,000 का पुरस्कार दिया गया है।